85 मास्टर शेफ चैनल में सबको नमस्ते। दोस्तों आज बनाने वाले हूँ चाइनीज स्टाइल कॉन्ग पोउ चिकन रेसिपी। दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दूसरे को शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों चलिए बनाने का किस तरह बनाता है आप लोग बना वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट। तरफ से पीस मीडियम साइज पीस लिया, और लिया पेप्सिन ऑन डायमंड कटिंग और अनियन डायमंड कटिंग। इसका मतलब टमाटर ले लिया, मतलब आप लोग रेड पेप्सी को यूज कर सकते हैं, टमाटर यूज कर सकते हैं। मैं टमाटर ले लिए और ड्राई चिल्ली ले लिया मतलब सूखा, और चिल्ली फ्लेक्स। इसके बाद मैंने गार्लिक चॉप, थोड़ी सी विनेगर डालूंगा, इसके बाद दिखाऊंगा। दोस्तों पहले चिकन को मैरिनेशन करके रखूंगा, पहले चिकन का साथ। इसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा कोक मतलब एल्कोहल, मतलब तुम लोग का पास कोई ब्रांडेड ड्रिंक्स रहता है उसको डाल सकते हैं 10 ml तक। इसके बाद मैं डालूंगा दोस्तों सोया सॉस, डार्क सोया सॉस डाल दूंगा। इसके बाद डालूंगा दोस्तों कॉर्नस्टार्च मतलब कॉर्नफ्लावर डाल दूंगा, थोड़ी सी विनेगर, इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगा। दोस्तों चिकन मैरिनेशन हो गया, इसको 5 मिनट तक स्टॉक करके रख दूंगा दोस्तों। तो अभी मिक्स करके कोको कोला ड्रिंक्स, चिल्ली फ्लेक्स, गार्लिक चॉप फाइन चॉप। इसके बाद मैं डालूंगा दोस्तों कॉर्नस्टार्च थोड़ी सी, इसको मिक्सिंग करूंगा अच्छी तरह से। दोस्तों थोड़ी सी चिल्ली पाउडर, इसका बाद में डालूंगा दोस्तों हनी 25 ग्राम का, इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करूंगा। दोस्त सॉस बना लिया, अभी इसको साइड कर देंगे, अभी जाऊंगा चूल्हा का पास। अभी चूल्हा जलाऊंगा, तवा बैठाऊंगा, तवा बैठा गर्म होने के बाद तेल डालूंगा। रेडी दोस्तों, अभी डालूंगा 50 ग्राम तक ऑयल, तेल गर्म हो गया। अभी डालूंगा चिकन, इस तरह से डाल देंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। दोस्तों इसको पलट देंगे इस तरह से, थोड़ी सी पहले मिक्सिंग करके भाप लेंगे। दोस्तों चिकन हो गया, चिकन में फ्राई कर ले इसको निकाल। दोस्तों पहले डालूंगा तेल, डाल के थोड़ा गर्म फाइन चॉप गार्लिक डाल दूंगा, इसका बाद रेड चिली ड्राई चिली डाल दूंगा मतलब सूखा मिर्ची। इसको डालने का बाद दोस्तों इसका बाद में आएगा पेप्सिकम डायमंड काटिंग, इसका बाद में आएगा प्याज डायमंड काटिंग मतलब ओनियन। इसको अच्छी तरह से इसको शॉर्टेज कर लेंगे दोस्तों, थोड़ी सी शॉर्टेज करने का बाद दोस्तों इसका साथ में डालूंगा मूँगफली मतलब बादाम। देखिए दोस्तों मूँगफली डाल दिया दोस्तों, मूँगफली डाल दिया, इस तरह से मूँगफली डाल के अच्छी तरह से शॉर्टेज कर लेंगे। इसके बाद में डालूंगा दोस्तों फ्राई हुआ चिकन जो फ्राई करके रखा था 50%, इसको सारे को सारे डाल दूंगा। इसको डालने के बाद थोड़ी सी शॉर्टेज करूंगा, शॉर्टेज करने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से शॉर्टेज करूंगा दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद में आएगा सॉस जो बना के रखा था, इसको सारे को डाल दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से पकाने से थोड़ा भूनूंगा तो कलर जबरदस्त आ जाता है। देखिए दोस्तों इसके बाद में डालूंगा पचमिशिश, पचमिशिश मतलब वाइट तिल है, इसको डाल दिए दोस्तों, थोड़ी सी भूनूंगा इसको। देखिए दोस्तों इस तरह से कलर जबरदस्त आ जाता है। ऊपर से लास्ट में जो टमाटर काटा हुआ था इसको डाल देंगे दोस्तों, डाल दिए दोस्तों अच्छी तरह से। इसको थोड़ा भूनूंगा मतलब शॉर्टेज कर लूँगा दोस्तों। अभी मेरा पाव चिकन रेडी हो गया, ब्लू चिकन प्लेट में डाल दूंगा, इस तरह से डाल लूँगा। देखिए दोस्तों खुशबू ज़बरदस्त है, आप लोग घर में बना कर ट्राई कर सकते, कोई भी रेस्टोरेंट में रेसिपी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तब तो बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा।